पिछले कुछ समय से चीन का सरकारी मीडिया मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की काफी तारीफ कर रहा है। अब ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख में भारत द्वारा किए गए टैक्स सुधार की प्रशंसा करते हुए लिखा कि बड़ी मात्रा में हो रहे विदेशी निवेश के कारण भारत का विश्व की महाशक्ति बनने का सपना साकार हो सकता है। चीनी मीडिया का कहना है कि विदेशी निर्माता बढ़ चढ़ कर भारत में निवेश कर रहे हैं और भारत द्वारा किए जा रहे सुधारों एवं प्रयासों के कारण निवेशकों को यहां अपना भविष्य सुरक्षित दिख रहा है। अखबार का कहना है कि विदेशी निवेश के इस मॉडल पर चलकर चीन को कामयाबी मिली और अब चूंकि भारत भी इसी राह पर आगे बढ़ रहा है इसलिए उसकी सफलता भी करीब करीब पक्की लग रही है। अखबार ने लिखा कि जीएसटी सुधारों और इससे होने वाले आर्थिक फायदों को लेकर भले ही संशय की स्थिति दिख रही हो लेकिन विदेशी कंपनियां भारत में अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त नजर आ रही हैं। इसमें आगे कहा गया कि जीएसटी के अंतर्गत भारत में आयात किए जाने वाले विदेशी स्मार्टफोन्स और कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर 10% ड्यूटी लगाई है। इसके कारण भारतीय फोन निर्माता भारत में प्लांट लगाने की योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन भारत में अपने कारखाने शुरू करने के लिए लगभग 32 खरब रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। इसी तरह जून में सैमसंग ने घोषणा की थी कि वो भारत में अपने उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए करीब 40 अरब रुपए का निवेश करेगा। इन सब को देखते हुए चीन के मोबाइल कंपनियां ओप्पो, वीवो, लेनोवो, शाओमी भी भारत में जमकर निवेश कर रही हैं। इन सब के साथ ही चीन ने भारत के मेक इन इंडिया अभियान की भी तारीफ की है। टीम इंडलिंक्स।